सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और इस वक्त हम लोग नोएडा में हैं क्योंकि नोएडा में पहले चरण में 11 तारीख को मतदान होना है और 2019 के लिहाज से आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमको कहना पड़ रहा है कि चुनाव हिंदुस्तान का लेकिन घोषणा पत्र पाकिस्तान का। लग रहा कराची और रावलपिंडी में लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको इस तरह से समझिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको एक खुला ऑफर दिया जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चाहते हैं ना आप सब अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है अब आप टुकड़े टुकड़े वाली नारेबाजी खुलकर कर सकते हैं, अब कोई सीडिशन चार्ज नहीं होगा आपके ऊपर। अब आज के बाद भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी ये नारा लगाने वाले पर कोई सीडिशन का कोई देशद्रोह का कानून नहीं चलेगा। हर घर से अवजल निकलेगा, ये टुकड़े टुकड़े वाली जो गैंग है उसकी जो नारेबाजी है उस पर कोई देशद्रोह का कानून नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो फिर सिडिशन का जो कानून है 124A वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब देश में खुलकर करो देशद्रोह। अब जो देशद्रोह करना चाहता है वो कांग्रेस पार्टी को जिताए, नंबर एक। नंबर दो, बात यही नहीं खत्म हुई। मैंने क्यों कहा कि चुनाव हिंदुस्तान का घोषणा पत्र पाकिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान क्या चाहता है कि कश्मीर से सेना की वापसी हो जाए। पाकिस्तान चाहता है, अलगाववादी चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में कि सेना की डिप्लॉयमेंट को कम किया जाएगा। पाकिस्तान खुश, अलगाववादी खुश। पाकिस्तान अलगाववादी चाहते हैं कि कोई 370 को हाथ नहीं लगाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा कर दिया 370 नहीं छुएंगे, 370 को नहीं हाथ लगाएंगे। पाकिस्तान बोलता है कि आफ्सपा, और अलगाववादी बोलते हैं आप जानते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, इसमें सेना पर केस नहीं होता है, सेना को इम्यूनिटी मिली होती है। मेजर आदित्य पर केस हुआ था। सेना जब आतंकवादियों के खिलाफ मुश्किल हालात में काम करती है तो सेना को एक कवच मिलता है, सुरक्षा कवच, उसको कहते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आफ्सपा। इसके जरिए सेना पर केस नहीं होता। पाकिस्तान कहते हैं इसे हटाओ, अलगाववादी कहते हैं इसे हटाओ। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हम सत्ता में आएंगे तो हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की समीक्षा करेंगे, इसको हटाया जाएगा नहीं। पाकिस्तान अलगाववादी और पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर किसी पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, खुलकर करो देशद्रोह, खुलकर लगाओ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अब आप पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आज ये शब्द कह रहा हूं। सवाल पांच कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर एक, चुनाव हिंदुस्तान का, घोषणा पत्र पाकिस्तान का, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देश को दांव पर लगा के जीतेंगे 2019? सवाल नंबर दो, टुकड़े टुकड़े गैंग से 2019 में कांग्रेस को गद्दी? सवाल नंबर तीन, सत्ता के लिए कांग्रेस का सेना से विश्वासघात, मतलब सेना पर केस कराना चाहती है कांग्रेस? सवाल नंबर चार, देश के स्वाभिमान पर चोट से 2019 में से हासिल? और सवाल नंबर पांच, कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ? ललित अंबरदार मेरे साथ हैं, सुभ्रांश राय मेरे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ललित अंबरदार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर की राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। और विश्वंबर दयाल साहब हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, स्पेशली हमने इनको बुलाया इनके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और मुझे नजर आ रहा है शाजिया इल्मी भी अब हमारे बीच में आ चुकी हैं, थोड़ा सा लेट हुई हैं, शाजिया हमारे बीच में आ चुके हैं, लेकिन मैं बहस शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो चलिए आप ही सबसे मैं एक बार राय ले लेता हूं, जब तक पोडियम लगता है सबसे पहले मैं आप ही से राय ले लेता हूं, शुरुआत आपके बीच में, क्योंकि नोएडा आए हैं। मैं चाहता तो स्टूडियो से शो कर सकता था ना, मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं। अब किस किस को देशद्रोह करना है पहले तो हाथ खड़ा करिए, कोई नहीं करेगा ना। किसी को चाहिए देशद्रोह की आजादी, टुकड़े टुकड़े नारेबाजी की आजादी चाहिए? किसी को चाहिए नहीं चाहिए खुलकर बोलिए, नहीं चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी कह रही है देशद्रोह का कानून हम खत्म करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ है या फिर देश के साथ है? देश के साथ है, नंबर एक। नंबर दो, सेना पर केस होना चाहिए, हाँ या ना? जो नहीं बोलते हाथ खड़ा करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून हटाएंगे, सेना को जो कवच मिलता है वो खत्म होगा, सेना पर केस होगा। धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जो कहते हैं हटनी चाहिए हाथ खड़ा करिए। धारा 370 हटनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हम सत्ता में आएंगे 370 को कोई हाथ लगाकर दिखाते हैं, 370 नहीं हटेगी।
मेरा सबसे पहले सवाल किसी से नहीं जो एक्सपर्ट है, विशंबर दयाल साहब हमको समझाएंगे। विशंबर दयाल साहब, ऐसी क्या वोट की मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी देश को दांव पर लगा रही है? कांग्रेस सवाल नहीं, आपसे पॉलिटिकल सवाल ले लूंगा। सवाल ये कि क्या सेना के लिए आफ्सपा जरूरी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नंबर एक, और 370 क्या हटना चाहिए या नहीं? विशंबर दयाल, देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1991 में लगा था, कश्मीर के हालात 1989 में खराब हुए थे, सरकार वीपी सिंह की थी, और मैं पॉलिटिकल भाषा बोलता हुआ बिल्कुल नहीं चकता हूं, सरकार वीपी सिंह की थी, सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। 1991 में कांग्रेस की माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, सबसे के पहला काम उसने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स के एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में कार्रवाई शुरू हुई, जिससे जो नरसिंहार था, जो दो साल से खुलेआम सड़कों पर थर्ड लेवल की जो इंसर्जेंसी मिलिटेंसी टेररिज्म था, जहां ट्रक लगते थे, कश्मीरी हिंदुओं के घर जलाए जाते थे, ट्रकों में डाला जाता था, भगवान जाने घरों का आदमी और क्या होता, फौज से खुलकर मुकाबला होता, उस सरकार ने 60 बटालियन राष्ट्रीय राइफल की सैंक्शन की, वो सरकार इकोनॉमिक उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू भी जा रही थी, इकोनॉमिक रिवाइवलिज्म के थ्रू भी जा रही थी, उस सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा, आज तक वो स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। उसके तहत बहुत बार हमारे पर केसेस हो चुके, रीसेंट केस आपने किया मेजर आदित्य का, बिल्कुल केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी नहीं दी है, आप लोग जो उसके खिलाफ है कोई सेना के हक में सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उसके पिताजी गए। ये देश जो है, इस बात को ध्यान रख के, जम्मू एंड कश्मीर इस देश की समस्या है, जम्मू एंड कश्मीर किसी पॉलिटिकल पार्टी की समस्या नहीं है। एक पार्टी कहती थी हम 370 हटाएंगे, हम 35 हटाएंगे, हमने उस पार्टी को, मैंने भी वोट दिया, मेरे परिवार ने भी वोट दिया, पहली बार वोट डाला और उसी पार्टी को वोट डाला, 5 साल में उस पार्टी ने वो नहीं हटाया हो तो मुझे बता दो। महबूबा मुफ्ती की डॉटर से 3.5 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में वो करवा जो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ, हमारे सामने हुआ, ये दुनिया भर के केसेस लगे। अब आप लोग शांत हैं, किसी ने देश में शोर नहीं किया, ये देश बहुत मजबूत है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज शोर कर रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यहाँ कोई देश नहीं टूटने वाला, ये बहुत मजबूत देश है, इसकी सेना की औकात नहीं है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ये बहुत मजबूत देश है, लेकिन लोगों ने पीढ़ियों से सेना को सींचा है। लेकिन सवाल फिर से विशंबर दयाल, मैं बता रहा हूँ, कोई हटिए कोई नहीं, आफ्सपा हटना चाहिए, हाँ या ना? हाँ हटना चाहिए, आफ्सपा हटना चाहिए 35 से, और आफ्सपा नहीं 370 और 35 से हटना चाहिए। लिसन टू मी, भाई मेरे धोखे से हो सकता है, आप क्यों हंस रहे हो, आप उतने भी हंस रहे थे, नहीं नहीं लाइन क्लियर कर दी, ये कहते हैं आप, ये कहते हैं आप हटना चाहिए, मैं कहता हूँ आफ्सपा नहीं हटना चाहिए, बहुत बढ़िया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, जब हटना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, सेना हमारी वहाँ पे, सेना के जवान सुबह शाम लगे हैं देश की सरहदों को रक्षा करने के लिए, आपने काफी देर बोला, मुझे भी मौका देना, उसके बाद आपकी बात मैं तो बोलूंगा नहीं, इसके विशंबर दयाल साहब ने क्लियर कर दिया कि आफ्सपा नहीं हटना चाहिए, 370 हटना चाहिए, जो सर 370 को रखना चाहते हैं, आफ्सपा को हटाना चाहते हैं, वो गद्दार या देशद्रोही है या नहीं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं, इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है सर, जो सेना पर केस करे, इस देश जो आतंकियों की बोली बोले, लिसन टू मी, ऐसा नहीं है, इस देश में ये कह देना देश में देशद्रोही है, देश में गद्दार है, देश क्यों देश को बदनाम कर रहे हो भाई, इस देश में कोई देशद्रोही नहीं, कोई देश गद्दार नहीं है, जो देशद्रोही है उसको डालो, उसकी कार्रवाई करो, ये सब पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है, मैं भाषा बोलूंगा, नहीं नहीं मैं तो भाषा बोलूंगा, देखिए क्योंकि जो हो रहा है वो बोलेंगे, मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है सर, एक मिनट मेरा आप सबसे एक सवाल है, जो सेना पर केस करवाए वो देशद्रोह है या नहीं? तो उसमें जिन्होंने मेजर आदित्य पे केस करवाया और जिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने केस को नहीं लड़ा वो देशद्रोही है या नहीं है? बोलो दयाल साहब, बोलो, मुझे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देशद्रोही है, क्यों अधूरा सवाल पूछते हो? 370 को, तो क्यों नहीं खड़े हुए 370 को, क्यों नहीं खड़े हुए 370 को, कहे इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो गद्दार है, आधी तरफ नहीं है, क्या बात करते हो,
शाज़ेल में और 370 हटने का मौका आएगा। ठीक और आपने उनको बहुत मौका दिया जब तक सेना नहीं बोलेगी। दोनों बातें एक साथ बोल रहे हैं। विशम्बर दयाल एक मिनट शाज़ेल में जो उन्होंने सवाल उठाया वाजिब है, आपने कौन सा हटा दिया 5 सालों में 370। मैं साफ गोई से बात रखना चाह रही हूँ। आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है आपके माध्यम से और आपकी इजाजत से हम देश के नागरिकों से ये कहना चाह रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने आज घोषणा की है कि एफ्सपा जो है, जो आर्म्ड फोर्सेस का जो खास अधिकार है, विशेष अधिकार है, उसको डाइल्यूट किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। और ये भी नहीं, सेडिशन लॉ जो है देशद्रोह का बिल्कुल है, रिव्यू का यही मतलब है। आप भी जानते हैं, सुनी बेवकूफ हमें ना बनाइए, आप हिमायती कर स्पीकिंग नॉट, प्लीज शो सम डिसेंसी एंड अलाउ मी टू स्पीक सर, इट इज माय टर्न, सबको बराबर से मौका दीजिए। बोलिए, आप कंप्लीट करिए। तो और फिर हमने उस पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ा है और आप लोग को जानना चाहिए कि जो सेना और जो जवान हमारे लिए सुबह शाम हमारी सरहदों पर तैनात हैं, जो अपनी जाने कुर्बान करते हैं, जिनका बलिदान के हम बातें करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, आज उनके खिलाफ केसेस आसानी से हो जाए ये रास्ता तैयार करने की राहुल गांधी ने घोषणा की है। साथ में ये बिल्कुल शर्म की बात है, पूरी तरह से शर्म की बात है। और आर्म्ड फोर्सेस वहाँ घूमने फिरने पिकनिक मनाने नहीं गई है, उन्हें विशेष अधिकार है क्योंकि वहाँ अशांति है, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ जुल्म और सितम है और इस काम के लिए वो वहाँ पे भेजा गया है। तो और कली उमर अब्दुल्ला कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने कहा है दूसरा से अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, उन वो किसके साथी हैं, राहुल गांधी के साथी हैं। ठीक है, तो कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रही हूं। अमित शाह की तरफ से भी इस मैनिफेस्टो को लेकर हमला बोला गया। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि सबको बेल मिल जानी चाहिए, किसी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, शायद वो पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम का जिक्र कर रहे हैं। ये अमित शाह ने हमला बोला, एक बार बयान सुनिए, एक बार बयान सुनिए। एक मैनिफेस्टो निकले उसमें कहा है सभी को बेल मिल जानी चाहिए, किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए, शायद कार्ति चिदम्बरम के लिए ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर इसको डाला। और साथ ही देखिए जिस चीज का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, मेरे हाथ में वो मैनिफेस्टो है, पेज नंबर 41, 37 पॉइंट जम्मू कश्मीर, सुनिएगा उसमें लिखा क्या गया है। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा गया जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए या नहीं, इसको डाइल्यूट किया जाए या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, इसमें कहा गया है कांग्रेस प्रोमिसेस टू रिव्यू द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब कश्मीर में जो अलगाववादी कहते हैं, हुर्रियत कहते हैं, यासीन मलिक से लेकर सईद अली शाह गिलानी से लेकर पाकिस्तान तक, ये लोग कहते हैं कि आप सेना को हटा दीजिए ना कश्मीर से, भारत कहता है कि नहीं हटाएंगे क्योंकि कश्मीर हमारा है जब तक आतंक का एक्सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वादा कर रही है मैनिफेस्टो में कि हम आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को भी हम कम करेंगे। ललित अंबरदार साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सुब्रांशु जी, ललित अंबरदार साहब, ये 370 नहीं हटाएंगे, 370 जो है बरकरार रहेगी और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको हटा दिया जाएगा, ये किस तरफ से खेल रहा है? तो देश दो हिस्सों में बट गया है, जो देश को तोड़ने वालों के साथ, देश को जोड़ने वालों के साथ, ये सारे वादे तो सर देश को तोड़ने वालों के लिए। देखिए ऐसे थोड़ा सा एक दो मिनट ले लूंगा, थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बताऊंगा कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर में सन 47 के बाद से जब से महाराजा ने एक्सेशन किया, भारत के साथ विलय की घोषणा की, उस तब से आज तक दिल्ली में नेहरू एंड कांग्रेस ने एक चीज किया कश्मीर में, दिल्ली में तो बोला कि हम जिना की टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं, पार्टीशन के खिलाफ भी थे लेकिन बोला सिविल वॉर नहीं होनी चाहिए, पार्टीशन भी हो गया, कतलेआम हो गया, लेकिन कश्मीर में उसी वक्त उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी 370 और बाद में 35A के द्वारा, और तब से आज तक जैसे कहते ना शेर के मुंह में खून लग गया, 370 और 35A के बाद जो उन्होंने आजादी हासिल की, देश से अलगाववाद सीखा, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जैसे जैसे हिंदुओं का पूरा नरसंहार हुआ वहां पे, और आज की तारीख में मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हम सारे समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है
तो किसी को खुश करने के लिए, सुनिए ना, कि इन वादों से कौन खुश होगा? Exactly, अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 370 को नहीं हटाएंगे तो इससे कौन प्रभावित होता है? कौन खुश होगा? मैं वही बता रहा हूँ सर, कश्मीर के अंदर पृथकतावादी तो आप जानते हैं, इस्लाम परस्परतावादी, लेकिन जो कश्मीर का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है ना, मुख्य धारा वाली राजनीतियां हैं जिसमें नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और लोकल कांग्रेस, वो उसमें मुनवज है, वो पूरे अलगाववाद को, इस्लामवाद को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। 370 अगर हटता है तो क्या क्या हो जाएगा कश्मीर का? बिना कंडीशन, बिना कंडीशन के, किसी भी कंडीशन, इफ और बट के बगैर हिंदुस्तान के साथ विलय होगा। आप लोग जब यहाँ पे कश्मीर का कोई बाशिंदा, कश्मीर का मुसलमान नोएडा में मकान खरीदता है तो आप जाके कश्मीर में जाके मकान खरीद सकते हो, है ना? तो वो होगा, वो किसको पसंद नहीं आएगा? लोकल इस्लामिस्ट पृथकतावादियों को। और ये मेन स्ट्रीम वहां का क्या बोलता है, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, कि हम कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रखना चाहते हैं, तो क्या ये हिंदुस्तान के सेक्युलर आईन के अंतर्गत फिट होता? नहीं, मेरे को एक चीज नहीं, आर्मर फोर्सेस स्पेशल पावर्स, मेरे ख्याल से मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही। मैं इसको लेमेंस लैंग्वेज में समझना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से कोई देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो कहता हो कि सेना पर केस हो, कोई नहीं कहेगा। शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जो कहेगा कि कश्मीर को अलग रखो। देखिए, कश्मीर हमारा है और रहेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कश्मीर को अलग रखो क्योंकि 370 अलगाववाद की बुनियाद है। सुब्रांश राय पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस समर्थक है। सुब्रांश राय जी, एक चीज बताइए, कश्मीर की तो बात हो गई, ये कराची में और रावलपिंडी में तो लोग खुश हो जाएंगे इस मैनिफेस्टो से। भारत का कोई नागरिक नहीं खुश होगा अगर आप सेना पर केस की आजादी देंगे और 370 को कहेंगे तो हम तो नहीं हटाएंगे, और कहेंगे कि हम सेना की डिप्लॉयमेंट को कम कर देंगे कश्मीर से। देशवासी कोई खुश नहीं होगा सर, कराची रावलपिंडी में वोट मिल जाएंगे आपको। अमन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सिर्फ 90 सेकंड सुनिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में खुद क्वेश्चन डाल दोगे तो मीनिंग बदल जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट बात है, 26 फरवरी 2019 को 35A और 370 पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, न उसमें पार्टी भारत सरकार बनी, फैसला नहीं है, किसी को पता नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो व्यक्ति की आजादी के तहत अब तक पूर्व पत्रकार और वर्तमान पत्रकार सब बात कर रहे हैं। 2019 अभी तुरंत, अच्छा 2019, ठीक है। जितने लोगों को आज राजनीतिक इच्छा और महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, उस दिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उस बात के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 370 और 35 से हटाने के लिए, क्योंकि फुल मेजोरिटी देकर आपने उनको चुनकर भेजा है। एक बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने एक मिनट, मैंने बोला 90 सेकंड चुप रहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहते हैं रही बात ये, आप चाहते हैं मैं बताता हूँ, सुनिए, दूसरी बात हटे, दूसरी जवाब नहीं दे पाए, मैं चाहता हूँ कि 370 हटे। एक देश, कांग्रेस कहती है, एक मिनट भाई रुकिए तो सही यार, रुकिए, अच्छा एक देश करते हैं राहुल गांधी की, 90 सेकंड राहुल गांधी की निंदा कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि 370 को, एक देश एक निशान एक विधान की मान्यता 47 से चली, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास भी थी, बीजेपी के पास भी थी। कांग्रेस ने अगर ठीक से नहीं किया तो आपके पास फुल मेजोरिटी था, आपने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही, जहां तक कानून के समीक्षा की, बोलने दीजिए, और यहां पे लोग हमें इतिहास का पाठ क्यों सुना रहे हैं? रही जहां तक कानून की समीक्षा की बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बात ना कर भाई मेरे, आज की बात कीजिए मैनिफेस्टो की, कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस का लेटेस्ट बयान जो आया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत किया है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने कहा है, अच्छा, कि हम ये नहीं होने देंगे। सुब्रांश जी, सही मेन बात कीजिए, शाजिया ने सवाल पूछा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके, एक एक करके स्टैंड, एक मिनट शाजिया, एक एक करके स्टैंड क्लियर होना चाहिए, बीच में मत बोलिए, विशंबर दयाल साहब के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये है आपसे सुब्रांश जी, 370 रहना चाहिए हटना चाहिए? नहीं, 370 बिल्कुल हटना चाहिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, लेकिन लेकिन गलत कह रही है, 5 साल दिल्ली गलत कह रही है, 4 साल कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है, तो फिर आप कांग्रेस समर्थक कैसे हो? आपको फिर चुनाव में सर आप पाला बदल लीजिए। अब मैं आपको भाजपा समर्थक कहूंगा आगे। नहीं नहीं अमन, आप मुझे कोई भी समर्थक है, मुझे मैं आपको भाजपा समर्थक कहूंगा, सवाल मेरा ये है, मैं आपको देश समर्थक कहूंगा, क्योंकि देश चाहता है 370 हटे, पहले है पार्टियां बाद में है, अच्छा इसलिए देश को दांव पर लगा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देश को कोई दांव नहीं, लेकिन जिस बात आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास आ, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा एक मिनट वो बहुत पीछे से बहुत देर से खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं?
कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, 370 हटा के रहेंगे, 35 हटा के रहेंगे। जैसे हम नोएडा में जमीन खरीद सकता है कश्मीरी, हम भी नोएडा से जमीन कश्मीर खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा रहेगा। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ बांट कर काम किया है, आज ही बांट रही है। पाकिस्तान खुश होता कश्मीर से, हमारा हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर खुश रहेगा, ये देख खुश रहेंगे कश्मीर। कांग्रेस कह रही है कि 370 को नहीं हटाएंगे, ये ना हटाएंगे, हम हटाएंगे, हम हटाएंगे, मुसलमान हटाएगा, भाजपा हटाएगी। देखिए आपके हाथ में तो एक ही ताकत है, वोट की स्ट्राइक। फिर भी शंबर दयाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार इनकी भी राय ले। एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्रीज में जाके बात करें तो वहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस तरीके के आंसर दे के जो देश की विरोधी हो, जैसे अमेरिका हो, इसराइल हो, ब्रिटेन हो। पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जनता हमारी खुद ऐसी है कि वो जब वो जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जनता को हम इतने आसानी से बांट सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें दे के, कुछ ऊट पटांग बातें करके। तो अगर जनता इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए और ये देखे कि अगर कुछ भी बात होती रहे, लेकिन अगर देश के विरोध बात होगी तो हम इसको। हाँ कहिए कहिए, खड़े हो जाइए, कहिए कहिए कहिए। अभी जो बात चल रहे थे, ये देश के गद्दारों की बात है, इनका मैनिफेस्टो गद्दारों का आ गया है। गद्दारों ने सबसे पहले यही कहा है कि हम अलगाववादियों के साथ है। अगर ये अलगाववादियों के साथ है तो फिर हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान ही। चले देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन पाकिस्तानी चुनाव आयोग में कर देना चाहिए, उनको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए एक चीज है, आप लोग एक मिनट, आप चीज है, मेरे को एक चीज है। देखिए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी नहीं तो सबसे पुरानी पार्टी, और एक तरीके से बहुत बड़ी पार्टी भी है। अगर कांग्रेस पार्टी ये वादे कर रही है जो अलगाववादियों को, देश के गद्दारों, पाकिस्तान के दलालों को खुश करती है घोषणाएं, तो आप लोग अपने अंदर भी सोचिएगा कि कोई ना कोई देशद्रोही वोट बैंक तो है जो इससे खुश होता है। कोई तो है जो वोट देता है इन चीजों से, इसलिए मैनिफेस्टो में है। अगर आप में से कोई लोग वोट नहीं देता तो ये चीजें मैनिफेस्टो में नहीं होती। मेरे को तो विश्वंबर दयाल साहब का वो नहीं सस्टेन समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कह दिया आफ्सपा 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 रहेगा, 370 नहीं हटेगा की याद होगी डिबेट जब मैं भी वहाँ पे। मेरे को स्टैंड समझ नहीं आ रहा उनका, किस तरफ है कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा इन्होंने। बताऊंगा और गोलमोल बात करेंगे। नहीं वो उन्होंने देखिए एक मिनट, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। आज विश्वंबर दयाल साहब ने स्टैंड क्लियर करा है, आफ्सपा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। विश्वंबर दयाल साहब आफ्सपा को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इन्होंने कहा। और 370 मैंने बोला है, 300 नहीं चले। विश्वंबर दयाल साहब बोलिए, बोलिए बोलिए विश्वंबर दयाल, गलत नाम बोल जाऊं? नहीं वो गलती से कहेगा। विश्वंबर दयाल साहब, विश्वंबर दयाल साहब बात है आज के घोषणा पत्र में जो कहना भूल गए। 30 सेकंड, 30 सेकंड, चलिए 30 पूरा टाइम दो, मुझे तो 2 ही मिनट चाहिए। चलिए मुझे 2 मिनट भी नहीं चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात शायद आई नहीं है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बाकायदा कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग चलता रहेगा और होगा। एनसीपी के साथ भी यही बात कही गई है उन्हीं के घटक दल ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल कहा है कि कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा, और उसके खिलाफ राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है। ये तीन तथ्य हैं, ये तीन सच हैं जो आप हर जगह चेक कर सकते हैं। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण चाहिए मुझे आपसे भी और इनसे भी। अब विश्वंबर दयाल की बारी है, एक एक करके। एक मिनट, अब एक मिनट, बीच में नहीं कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलेंगे। विश्वंबर दयाल साहब, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, सुनिए। मेरा सवाल विश्वंबर दयाल साहब, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, आपको पढ़कर सुनाया। नंबर एक, एक मिनट सुनिए ना सर, सवाल पूछो। एक मिनट, आप हंसे नहीं, बात करिए। मैनिफेस्टो में एक कहा गया है, नंबर एक, सेना की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर कम की जाए। नहीं कम नहीं की, समीक्षा की जाए, समीक्षा होना चाहिए, रिव्यू बताऊंगा, होना चाहिए रिव्यू, बताऊंगा ना, होना चाहिए रिव्यू। एक मिनट, मैं बताऊंगा ना, रिव्यू होनी चाहिए, नहीं मैं बताऊंगा, नहीं होनी चाहिए सर, बताऊंगा ना, नहीं होनी चाहिए सर। एक मिनट, अलगाववादी चाहते हैं पाकिस्तान, चाहते हैं रिव्यू पाकिस्तान। एक मिनट, ये रिव्यू होनी चाहिए सर, सुनेंगे आप, सुनेंगे, मैं आपसे झगड़ने वाला नहीं। अगर आप झगड़ना देंगे, नहीं नहीं सर, बोलिए आप, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट भाई, सुनने की पेशेंस रखो। बोलिए बोलिए विश्वंबर दयाल, बोलिए। सुनने की पेशेंस रखो, सुनने की पेशेंस रखो, बैठिए, पेशेंस रखो। विश्वंबर दयाल बोलेंगे, बोलिए। एक मिनट, देखिए देखिए, बस माइक है, बोलिए। देखिए देखिए देखिए, क्योंकि आप, क्योंकि मैं लड़ने नहीं आया ना सर, आप बोलिए, मैं झगड़ने नहीं आया, बोलिए सर, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सर। एक मिनट, जनरल हुड्डा, जनरल हुड्डा सुनिए, आर्मी कमांडर रहे हैं, जनरल हुड्डा ने स्ट्रेटेजिक जो फर्स्ट टाइम जो हमने स्ट्राइक किया अक्रॉस, जनरल हुड्डा एज आर्मी कमांडर उनको मॉनिटर किया। जनरल हुड्डा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है आज के दिन सेना की, उसमें उनको, उन्होंने अपने जब वो आर्मी कमांडर थे, जब भी उन्होंने काफी
रीएडजस्टमेंट्स की है। तो जन हुड्डा को जरूर आइडिया होगा, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट बोलने दीजिए, तो जहाँ हमारी वीकनेसेस है वहाँ स्ट्रॉन्ग करेंगे, जहाँ हमारी वीकनेसेस है वहाँ स्ट्रॉन्ग करेंगे, जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग ऐसे ही बैठे हुए लोग बात और जो यूटिलिटी नहीं आ रही हमारी है कुछ पोस्ट जो बिल्कुल यूटिलाइज करेंगे, तो इसमें क्या बुरा बोल दिया? सम्मान करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की समस्या को सुधारने के लिए अगर आप जवाब दे सकते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं तीन सवाल पूछूंगा विशंबर दयाल से। सवाल नंबर एक, कांग्रेस ने कहा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की समीक्षा की जाएगी, समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सवाल नंबर एक। एक मिनट, एक मिनट, आर्म फोर्सेस पे हाँ क्यों हाना क्यों हाना क्यों आप लोग एक मिनट मेरे से बात करिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप लोग चाहते हो जो जम्मू रीजन में एरियाज है, जो जम्मू रीजन में एरियाज है कल वहाँ भी वही चीज है जो छिने, आप लोग नहीं चाहते कि वैली में कंसेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये आप लोग नहीं चाहते कि वैली के अंदर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो देखो रिव्यू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, तालियां नहीं होना चाहिए, रिव्यू नहीं होना चाहिए देश के लिए। सवाल नंबर दो आप ही की तरफ से पूछ रहा हूँ। सवाल नंबर दो, कांग्रेस पार्टी कह रही है 370 को जो है 370 को नहीं हटाएंगे, 370 रहना चाहिए या हटना चाहिए? अब मेरी बात सुनोगे 30 सेकंड ना, क्यों मैं आपकी तरह कोई रट्टू तत्ता हूं आपको नहीं, मैं मेरे से मेरे से हाँ। मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था आपके चैनल पे, इन पे 370 लागू है लागू है भाई साहब, आपके 370 लागू है कश्मीरी पंडितों पे 28 मैं बताता हूँ ना, 1980 मैंने आपको बोला था 1987 से पहले एक कश्मीरी पंडित राइटर ला दो, एक जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा लोग हैं जो ये यहाँ आके बोलते हैं एमपी बने, इनमें से एक आप भी ला दो जिसने लिख के दिया हो कि 370 हटनी चाहिए 35 हटनी चाहिए तो रहना चाहिए 370? नहीं 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 मैं बताऊंगा भाई, रहना चाहिए नहीं मैं बताऊंगा, पहले माहौल क्रिएट करो, पहले माहौल क्रिएट करो ये वापिस जा सके, इनको बसाओ, जब इनको बसाओ तो सब हटा दो। देखिए पहले इनको बसाओ, देखिए जब इनको नहीं बसा सकता, आपके पहले सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया, बसा ही नहीं सकते जब इनको नहीं बसा सकते, कितने कमजोर हमारी आंखों में नहीं बनाने देंगे। मैं आपके पास आऊंगा। सवाल नंबर दो 370 सब हटा दो, जिस दिन इनको बसा दो 370 हटनी चाहिए रहनी चाहिए? बनाओ कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सारे हिंदुस्तानी खूब घूमे, टेरिस्ट हो, शांति आए, सब कुछ हटा दो, 370 हटा दे अभी, रहनी चाहिए कौन सी 370? जब आज के दिन माहौल देखो क्या है, आज के दिन माहौल देखो क्या है, ये जो वादे कर सकते ये जा नहीं सकते, रहने दे, ये जा नहीं सकते, रहने दे, अरे एक आग को बुझा लो, 370 रहनी चाहिए, दूसरी बुझाएंगे ऐसा, क्योंकि माहौल है इसलिए आपका का रिव्यू नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, तीसरा सवाल एक मिनट शांत, तीसरा सवाल, सेना की माहौल उसके लिए बनाएंगे, आपको बताएंगे 370 और तीसरा क्या अलगाववादियों से क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? बातचीत होनी चाहिए अलगाववादियों को, एक मिनट कांग्रेस करिए बातचीत करेंगे, साढ़े तीन साल से कह रहा हूँ चेन्नई के जेल में क्यों नहीं डालते, एक भी डाला कांग्रेस के लिए बातचीत होनी चाहिए, जेल में डाल रखे कांग्रेस के लिए बातचीत होनी चाहिए, क्यों नहीं डालते ये जो कह रहे बातचीत होनी चाहिए, ये झूठा फ्रेब जो है, जो कह रहे हम सराखों पर बैठाएंगे सत्ता में आने पर, फरेब आप कर रहे हैं, झूठा फरेब आप कर रहे हैं, कांग्रेस को जेल में डाल दे, परिवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, सोनिया गांधी बेल पर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर है, समझ में आया, चोरों के समर्थक हैं आप लोग, सुन लीजिए, ठीक ललित अंबरदार ललित अंबरदार, चलिए ठीक ठीक ठीक, ललित अंबरदार के साथ क्यों आप सजे, एक मिनट सुनिए मेरे से बात करिए, छोड़िए इनको एक मिनट, चलिए देखिए मैं चाहूंगा सेना के लिए कहिए आप, सुनिए बोलिए भारत माता की जय, बोलिए जय हिंद, ये मोदी के नारे प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ पर, सुनिए कोई चुनाव प्रचार का मंच नहीं है ये, अगर प्रचार करना है देश का करिए, बस खत्म, ललित अंबरदार सही है।
चले ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है, नारेबाजी करनी है देश के लिए करिए, किसी पार्टी या किसी का प्रचार नहीं होगा। जब आप कश्मीर की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ ये कुछ सारी बातचीत जो हो रही है ये कश्मीर के संदर्भ में हो रही है। अगर आज भारत को सुरक्षा का कोई खतरा है वो कश्मीर की वजह से है। जब कश्मीर की बात करते हैं प्लीज समझिए, कश्मीर खाली कश्मीर की समस्या नहीं है। अगर आप कश्मीर को नहीं समझेंगे, कश्मीर को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने पे कश्मीर उभर के आएंगे। और सुनिए, कश्मीर है क्या? कश्मीर जो इस्लामिस्ट आर्क, जहादी आर्क मिडिल ईस्ट से उठती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से गुजर के कश्मीर उसका हिमालयन केंद्र बिंदु है, वो समझिए, छोटी बात नहीं है। कश्मीर, आपने जम्मू और लद्दाख की बात की है, कश्मीर की प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में है, वहां भी सुनियों की प्रॉब्लम है, जो अफगानिस्तान में है, जो सीरिया में है। अब पाकिस्तान के अंदर वो अपने जहादियों को हवाई जहाज से बमबारी करते हैं, और हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए, समीक्षा क्यों होनी चाहिए? आज के वक्त जब बालाकोट के बाद जो कुछ हुआ, सन 71 के बाद पहली बार, ये सही है, 4 साल बीजेपी ने अपने गवाह दिए महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ करने के बाद, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हरकत की, बालाकोट का जो हमला हुआ है वो एक हिस्टोरिक है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि वो क्या था। पहली बार आर्मी है, मुझसे सहमत रहेंगे, एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एक एक्सप्रेशन है। पहली बार हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस स्थापित की है। अभी तक ये होता था भाई ऐसा मत करो, वहां से न्यूक्लियर एटम बम आएगा, वो हमने छोड़ दिया खाली। पीओके में बमबारी नहीं की, इमरान खान की जो स्टेट है जहाँ पे उनका सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी की राज्य स्थापित किया था, वहां बमबारी की थी। और आसपास जब कांग्रेस कहती है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, सुनिए, आसपास का जो पहली बार लगा था 50 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में लगा था, किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था। क्या इतने साल जब कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में सरकार में थी एक बार भी उन्होंने उसकी समीक्षा की बात की? कश्मीर में क्यों समीक्षा की बात कर ललित अंबरदार देखिए, एक मिनट आप बैठ जाइए। किससे खुश हूँ मैं? आपके पास अपना पक्ष बता रहा हूँ, मैं खुश नहीं। आपको लग रहा है, आप कौन है? आपको लग रहा होगा। अच्छा एक मिनट, ज्वाइन करी मैं, जब ज्वाइन करूंगा देखिए विशंबर दयाल, मेरे को एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। मुझे एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या देश विरोध वोट दिलाता है? दिलाता, सबको मालूम है। दिलाता है क्या? सबको मालूम है, सबको मालूम है। क्या कोई देशद्रोही वोट बैंक है हमारे बीच में? है, वरना ये देश विरोधी वादे नहीं होते, ये एंटी नेशनल मैनिफेस्टो नहीं आता। कांग्रेस को वोट देंगे आप हैं? मैनिफेस्टो जो आ रही है ये और पूछ लो कितने परसेंट लोग देशद्रोही हैं, ताकि उन्हें निकालते देते। अरे भाई पूछ लो कितने परसेंट लोग देशद्रोही हैं। देखिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, जितनी जो है तुष्टिकरण, हमें लगता है आप उससे सहमत है और आज राष्ट्र विरोधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। किसी राष्ट्र के लिए क्या इनको चुनाव लड़ने के लिए वहाँ से पैसा मिलता है? पाकिस्तान से, लाहौर से इनको पैसा मिलता है, आतंकवाद से इनको पैसा मिलता है, आतंकवाद बढ़ाने से इनको पैसा मिलता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान को खुश इसलिए कर रहे क्योंकि पाकिस्तान पैसे देता है, आतंकवादी और पाकिस्तान इनको पैसा देते हैं। बैठिए एक मिनट, आराम से सबकी बात मौका मिलना है ना। हाँ आइए, हाँ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। हटना चाहिए 370? 370 हटना चाहिए, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस कह रही है लगाए रखो। भाजपा ने टाइम बर्बादी के खिलाफ कुछ नहीं करा, 5 साल निकल गए 370 के बाद। 70 साल का नासूर है, 5 साल में कैसे? सुनो, 70 साल, 70 साल की बीमारी है। 70 साल पे ब्लेम करके पूरा 5 साल हम 70 साल सुनते रहे। 35 साल की जिम्मेदार कौन? अच्छा देखिए एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सरकार। अच्छा बीजेपी कह रही है हम हटाएंगे,
कांग्रेस कह रही है हम बरकरार रखेंगे, आप किसके साथ? मैं दोनों पार्टी रखने बरकरार रखने को सुनने अमन जी, मैं दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूँ, इन दोनों पार्टियों ने देश को छला है। आज यूपी में महागठबंधन की जरूरत इसलिए तो पड़ी क्योंकि ये लोग हटाने ये करने करनी यार कतनी यार करनी में इनका फर्क है अमन जी, इनके करने ठीक है। एक मिनट बैठिए, हाँ बैठिए आराम से। राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि मेरा डीएनए विदेशी है, विदेशियों को खुश करने के लिए आज उसने भारत विरोधी जो ये अपना वो पेश करा है, और राहुल गांधी विदेशी है और कांग्रेस की स्थापना भी एक विदेशी एओ है। ठीक है, अच्छा मैं नेताओं से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, इस चीज पे अगर ये जो बातें करते हैं इस पे जनता ये सोच ले कि हमें इस चीज को लेके भारत के साथ खड़े रहना है और इन लोगों को वोट नहीं देना है, अपने सुरक्षा आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ बोलिए, और बिजनेस तभी होगा जब मोदी हटाओ। हम कहते हैं अलगाववादियों का पैसा रुकने चाहिए, कहते हैं मोदी हटने चाहिए। हम कहते हैं कि विदेशी फंडिंग रुकनी चाहिए, कहते हैं मोदी हटने चाहिए। क्या इनको मोदी इतना बुरा लगता है? चलिए ठीक है, हाँ आप बताइए क्या कहना है। 370 35 ए 70 हटना चाहिए बिल्कुल हटना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो अच्छे आदमी है, ऐसा भारत में कभी किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। भारत माता की, हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। हाँ अब 370 हटना चाहिए। और ये जो कांग्रेस है कह रहे हैं कि सेना पर केस हो, नहीं नहीं कांग्रेस कह रही है कि सेना पर केस की आजादी मिलेगी, आफ्सपा हट जाएगा। नहीं 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 सेना पर केस नहीं हो, 370 सेना कश्मीर से कम करनी चाहिए। नहीं नहीं कश्मीर में और बढ़ानी चाहिए। तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकवाद खत्म, टुकड़े टुकड़े की नारेबाजी होगी तो अब देशद्रोह का केस नहीं होगा। वो कह रहे हैं सिडिशन लॉ खत्म कर देंगे, कांग्रेस कह रही है। बढ़िया, नहीं 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 ये गलत कह रही है, ये कांग्रेस गलत कह रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने गठबंधन किया है, ये गठबंधन नहीं किया है, ये लाठीबंधन किया है और ये हमसे डर गए हैं। आप उत्तर प्रदेश का ठीक है, जब तक अमन चैन कश्मीर में नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यवस्था नहीं हटना चाहिए, 370 हटना चाहिए, अमन चैन हो जाए तब हम जाए सब जाए। चलिए ठीक है, अब मैं सुब्रान जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपके पास भी आऊंगा, आप बैठिए और सब सुनिएगा प्लीज, मैं आपके पास भी आऊंगा। सुब्रान जी मेरा सवाल आपसे ये है जो मैंने सबसे पूछा, कुछ तो है कांग्रेस पार्टी के दिमाग में कि भाई देश विरोध वोट दिलाता है, देशभक्ति वोट काटती है, खुलकर करो देश विरोध शायद वोट मिलते होंगे, अगर है बता दीजिए भाई, पता होना चाहिए कौन कौन है जो गद्दार वोट बैंक है, देशद्रोही वोट बैंक है, ऐसा कुछ। 60 सेकंड बस चुप रहिएगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है उसके बाद क्वेश्चन करते रहिए, सुनिएगा। पहला इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि देश की सुरक्षा किसी भी पार्टी के लिए कितना मजबूत हो ये उसके बनाने वाले से पैदा होता है। अब साल बनाया किसने था? कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं था, बारात किसी और की दूल्हा बनके कोई और कूद रहा है, पहली इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, समीक्षा इनकम टैक्स की भी होती है, जीएसटी की भी हुई, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, कुछ ऐड किया जाता है कुछ निकाला जाता है। अरे भैया खुला प्लेटफॉर्म है, जब तक चर्चा होगी नहीं तब तक पता क्या चलेगा, हो सकता हो सकता पुराना कानून हो। और तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद 2014 से पहले वो बार बार कहते थे कि सैकड़ों नहीं हजारों कानून है जो पिछले 20-30-50 सालों से चल रहे हैं, सत्ता में आने के बाद मैं उनकी समीक्षा करूंगा। तो रही बात राजनीति की, दोनों अपने हिसाब से देखें। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, शाजिया सुब्रान जी अंतर्यामी हैं, मोदी के मन में क्या चल रहा है इनको पता लगे, शाजिया जवाब देंगे। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, चलिए बोलिए बोलिए। चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश और राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन तभी अलगाववादी सर्वोपरि है, तभी पाकिस्तान सर्वोपरि आपके लिए, तभी देश को धाव पर लगाकर 2019 जीतेंगे, तभी आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना पर केस करेंगे और आप बोलेंगे देश सर्वोपरि है। सर ये नौटंकी मत करिए, सर ये नौटंकी मत करिए, चलिए ठीक है, हो गया सर, हो गया। साथियों आज जो घोषणा पत्र आया है आप लोग जाके पढ़िएगा भी सुनिएगा भी, इससे बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ पूरी तरह से कश्मीर से लेकर केरला तक सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, नक्सलियों के साथ है, उग्रवादियों के साथ है और अलगाववादियों के साथ अच्छा, है। एक चीज तो है, देश के नागरिकों के साथ नहीं है, देश के गरीबों के साथ नहीं है, देश के सैनिकों के साथ नहीं है, इसलिए जरूरी है इस बात को कहना जी। और जो गोलमोल बातें जो हो रही है समझिए इनको। शाजिया ने एक चीज कही, विशंबर दयाल अगर कोई पार्टी, सुनिएगा आराम से, विशंबर दयाल को भी सुनिएगा, इसे एक्स आर्मी ऑफिसर या हम सबसे बेहतर जानते हैं वो बता रहे हैं,
अगर कोई पार्टी कहती है कि मैं सेना को जो आपसपा के तहत सुरक्षा जो कवच है मैं उसकी समीक्षा करूंगी, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि पत्थरबाज अगर पत्थरबाजी करते हैं सेना उस पर कार्रवाई करती हो तो सेना पर केस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पार्टी कहती है 370 को हम बरकरार रखेंगे, अगर कोई पार्टी कहती है कि हम पाकिस्तान अलगाववादियों हुर्रियत से बातचीत करेंगे, तो सर वो पार्टी सेना के साथ तो नहीं है, वो तो आतंकवादियों के साथ हुई। अब मैं बोल बोलिए ऐसे है, मैं सैनिक हूं और उस भाषा को सुनोगे जो सैनिक आत्मा से बोलता है। बोलिए बोलिए सर। मुझे ऑपोजिशन से क्या लेना, वो क्या बोल रही है क्या कह रही है, मैं देखता हूं आज की सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, आज की सरकार मेरे लिए क्या बद्ध है, कल जो सरकार आएगी जब वो आएगी जब मेरी सीनियर लीडरशिप जब मेरी सीनियर लीडरशिप उसके ऊपर सेना के हित में जो कार्य है वो लड़ेगी, हम लोग अपने चीफ में विश्वास करते हैं और उसी में विश्वास करते हैं। एक मिनट पहली बात, एक मिनट मैं बोलूंगा भाई, बोलूंगा जो पार्टी आज पावर में है उस पार्टी की पावर के तहत उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजियों के ऊपर अफसपा के अंदर मुकदमे हुए हैं उस पार्टी ने पावर में कुछ नहीं किया, ये मैं बोलूंगा, बोल रहा हूँ मैं सेना पर किस पार्टी जो पावर में है केस सुप्रीम कोर्ट में है उसके फादर ने केस फाइल किया, सवाल सीधा होता है कैसे जुटला सकता है, सेना पर केस करने वाली पार्टी आनी चाहिए सत्ता में, तो जिसने जिस एक में नहीं आनी चाहिए पर जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने जिसके सामने केस हुआ और उसने सरकार सेना के लिए केस लड़ा जिस पार्टी के दौरान केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि हम अपने आप लोग वोट के लिए लड़ रहे हो वोट के लिए सेना आपके दिल में नहीं है, नहीं तो केस भी लड़ो। एक मिनट मैं बात कर सकता हूँ, एक नाम लेकर यही जाना चाह रहा हूँ, आप अपनी काइंडली आइडेंटिटी क्लियर करिए, आई एम ऑल्सो डिफेंस ऑफ एक्स डिफेंस ऑफ आई टेल यू सर, आप इन दिनों आपका ओरिएंटेशन कहीं और है, नो नो बिल्कुल नो 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 यू आर रॉन्ग, आपकी भाषा जो है एक्चुअली चलिए ठीक है, नो नो लेट्स यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी भाजपा, आई एम नॉट, आई एम टॉकिंग फैक्ट्स सर, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं है, केंद्र सरकार केस मिटा हुआ, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल पॉलिटिशन से ज्यादा पॉलिटिशन आप हैं, आपको इन्हें फ्यू मिला केस मिटा हुआ, वाइंड अप करना मुझे, वाइंड अप इसी टीवी पे बोला, ठीक सर आप बोल दिया, नहीं उन्होंने बोला कि आपका उन्होंने क्लियर कर दिया अपनी सिचुएशन, आप पर रहना चाहिए 370 हटना चाहिए, उन्होंने क्लियर कर दिया, चलिए ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, कोई नहीं प्लीज ये जो सर देश में तुम्हारे देश गद्दार नहीं है, एक सेकंड हुर्रियत वाले ये देश में सर ये हुर्रियत वाले तुम्हारे गैंग गद्दार नहीं है, मैं बात करना सर, एक मिनट मैम चलिए ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है सर, सुनिए ऐसा है तीन पॉइंट क्या टाइम नहीं है सर, 30 सेकंड जल्दी से बोल रहा हूँ, 30 सेकंड आसपास का अगर समीक्षा हो, सुनिए सर अब सर मेरी बात की गई सर, कश्मीरी एक बार सुनिए प्लीज, अभी सर ने बात किया कश्मीरी हिंदुओं के वापस जाने की बात की, मैं आप लोगों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि बेड बकरियां नहीं है, कि हमें 700 साल में सातवीं बार निकाला गया और सातवीं बार आजाद भारत के अंदर का, लेकिन हम जब जाएंगे उस कश्मीर में जाएंगे जहां पे जब जम्मू कश्मीर का पूरा पूर्ण गठन होगा, जम्मू स्टेट अलग होगा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग होगी, कश्मीर में कश्मीरी हिंदू के लिए पनुन कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगी, 370 कहीं नहीं होगा, 35 से कहीं नहीं होगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक ललित अंबरदार जी, विशम्बल जी, सुभ्रान जी, शाजिया जी, समय इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ताल ठोक के में छोटा। आज मुफ्ती ने क्या कहा है कि अगर 370 हटाया तो हम तिरंगा झंडा को हटा देंगे, क्या है वो विदेशी है, ठीक है जवाब देंगे ना, जवाब मिलेगा 23 मई को, पराक्रम का सबूत मांगने वालों को मिलेगा 23 मई को, बूत देगा जवाब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक।